अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों, ठीक ठाक। आज का ना वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं कभी फिर वीडियो बनाऊंगा। आज जो हूँ मैं हूँ मक्का अल हदा रोड पे, तो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ पूरा व्यू कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। यहाँ पे ये ना पूरा पहाड़ का इलाका है और ये यानी पेट्रोल पंप पे, क्योंकि हमारी गाड़ी में है आधा फ्यूल, तो खरा लेते हैं फ्यूल फुल, क्योंकि पहाड़ का पूरा रास्ता है और अप डाउन में तुम्हें पता है ज़्यादा लग जाता है टाइम भी और फ्यूल भी। पहले इतने फ्यूल भरे, इतने कुछ शॉप से कुछ दुकान से कुछ ले लेते हैं खाने पीने का, तो चलते हैं इतने भरता भी। और ये बंदा कर रहा है टैंक फुल, तो चलते हैं दुकान पे कुछ ले लेता खाने। ये तो पूरा खाली है, यहाँ से लें क्या, चिप्स वगैरह पूरा है नहीं कुछ, तो अभी यहाँ से बस जूस ये वो क्या लें। ठंड है, आइसक्रीम नहीं, आइसक्रीम भी नहीं कहेंगे क्योंकि हम हैं दो तीन दिन से बीमार। पिछले वीडियो में मैं बता रहा था क्या लें, वैसा खला से कि यही ले लेता हूँ छोटी सी, और क्या करेंगे। दुकान तो कुछ दुकान में कुछ भी नहीं था, तो क्या लेते हैं। हमने कुछ लिया ही नहीं जब उसमें कुछ था ही नहीं, एक ये ही लिए। मैंने सोचा चलो क्या है, थोड़ा बहुत ही ले लेता और है क्या, जब उसमें था ही नहीं कुछ। तो अभी हम निकल रहे हैं। अभी जो हम हैं वो हैं पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे, तो यानी सबसे ऊपर, और अभी हमें जा रहे हैं बिल्कुल नीचे। और मैंने इधर गाड़ी थोड़ा सा साइड में लगा के देखा था, तो इधर से कोई नीचे की लाइटिंग दिख रही है, क्योंकि हम हैं अभी पहाड़ के इस तरफ, पहाड़ के उस तरफ से पूरा वो रोड है। तो जैसे ही हम उस तरफ पहुँचते हैं तो उधर एक रुकने की जगह भी है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वहाँ पर पहुँच के। सही है, और वहाँ से लाइटिंग और व्यू जो पहाड़ का लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ पे अक्सर वहाँ पे बंदे रुके होते हैं। अभी ठंड भी है, एसी मैंने कर दिए बंद बिल्कुल, और हल्के हल्के से मैंने शीशे खोले हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। अभी इधर का रोड आपको देखें, आपको दिखाता हूँ मैं, देखो किस तरीके से बहुत ऐसे 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 पूरा रोड है। इस साइड में मेरे पूरा पहाड़ है, उसके उस तरफ दूसरी लाइटिंग है और पहाड़ पे रोड है, और नीचे इस तरफ सबसे खूबसूरत व्यू है। इस रोड का सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये व्यू है, ये आप देखें, सबसे ज़्यादा खूबसूरत है ये व्यू। और ये देखें पूरा बिल्कुल कितना खूबसूरत है माशाल्लाह, ये बहुत खूबसूरत है।
तो वीडियो आज की बहुत खूबसूरत होने वाली है, और जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा। पूरा रोड मैं जल्दी जल्दी करके वीडियो को आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखिए भाई माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू है, ये देखिए इधर से स्टार्ट करते हैं। तो ये ना देखिए माशाल्लाह ये इसकी सबसे ज़्यादा खूबसूरती है। अभी हम जा रहे हैं उससे वो नीचे, बिल्कुल वो नीचे का, और इधर एक दूसरी तरफ पहाड़ आ रहा है, मैंने आपको लोगों को बताया था। और ये उसका है पूरा व्यू, बहुत खूबसूरत व्यू है। ओके दोस्तों, देखा आप लोगों ने कितना प्यारा इधर से व्यू लग रहा था इसका, दिल ही नहीं कर रहा था जाने के लिए, पर जाना पड़ेगा क्योंकि हमें थोड़ा नीचे जाके काम, और नीचे जाके वापस भी आऊँगा मैं, तो इंशाल्लाह वापसी का सफ़र फिर कभी दिखाएंगे आपको। ये जो साइड में आपको लाइटिंग दिख रही है ये पूरी वही लाइटिंग है जो ऊपर से दिख रही थी, खूबसूरत बहुत लग रही थी। तो अभी हम आ गए हैं बिल्कुल नीचे, थोड़ा सा हमारा रह गया बिल्कुल नीचे पहुंचने में, और अभी हम आ गए हैं बिल्कुल नीचे। तो अभी उस बंदे का भी फ़ोन आ गया भाई कहाँ रह गया, क्योंकि मैंने दिया था उसे एक घंटे में, एक घंटे में पहुँचूँगा, और मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाने लग गया था, रुक गया था रास्ते में, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट भी हो गया। और आराम आराम से इसलिए आ रहा था क्योंकि आप लोगों को भी दिखाना था व्यू टोटल। तो अभी हम नीचे आ गए हैं, जल्दी जल्दी जाते हैं उसको काम ख़त्म करके फिर आप लोगों से मिलते हैं। अच्छा दोस्तों, पक्के में हमने एंट्री कर दी है काफ़ी देर की, तो जल्दी जल्दी के चक्कर में आप नहीं दिखा पाया, और अभी मैं हो सकता है आपको दिखाऊं क्लॉक टावर। और क्लॉक टावर तो आप लोग सब जानते ही हो, जो हरम के बिल्कुल पास में सबसे ऊंचा है, ऊंची बिल्डिंग है, और वो लगभग ये देखो भाई ये दिख रहा है ना, ये जो टावर है बड़ा वाला वो बिल्कुल वो क्लॉक टावर है, हरम के बिल्कुल जस्ट बराबर में ये टावर है। ये देखो कितनी दूर से ये दिख रहा है, ये देखिए भाई कितना ज़्यादा बड़ा ये महल है पूरा, ये इधर भी ना बहुत ज़्यादा, ये देखिए भाई कितना बड़ा है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा बड़ा है। और इसके रेस्टोरेंट कॉफ़ी शॉप बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत प्यार, बहुत ज़्यादा रश है इस जो है ना पेट्रोल पंप पे, बहुत ज़्यादा। और हम रुके हैं यहाँ पर खाना खाने के लिए, क्योंकि इस पर फार्म अफ़गानी डिश है बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मिलता है। मुझे लगता है इस रोड पे मुझे तो इससे अच्छा लगा नहीं अभी तक, मैंने एक दो तीन जगह ट्राई किया था तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो अभी मैं गया था वॉशरूम, इधर काफ़ी दूर है, मेरी गाड़ी उस रेस्टोरेंट के सामने खड़ी थी, आपको दिखाता हूँ मैं पीछे से। ये देखें भाई अभी भी वही चल रहे हैं रेस्टोरेंट, हर कंपनी का ज़्यादातर इस पर रेस्टोरेंट है, ये देखें कितना ज़्यादा है ये बड़ा है। हमें जाना है इस रेस्टोरेंट में और देते हैं अपना ऑर्डर, ये देखें
माशाल्लाह कितना बड़ा है, बहुत अच्छा। चलते हैं अंदर, अपना ऑर्डर कंप्लीट करते हैं। ऑर्डर हमारा आ गया है माशाल्लाह, और ये सफरा कर रहा है परेशान, और हमें जो मज़ा आता है ना तो वो आता है सफरे पे। हमने डाल लिया है अपना ये नीचे सफरे पे, क्योंकि हमें मज़ा आता है ऐसे ही। और ये है हमारी चटनी माशाल्लाह, अभी मिलते हैं खाना खाने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, खाना वाना हमारा हो गया, अभी हमें निकलना है, एक घंटे का वे भी समथिंग रास्ता है, तो जल्दी जल्दी जाना है। फिर कभी इंशाल्लाह दिखाऊंगा आपको चढ़ाई पे चढ़ने की कैसे, दिन में दिखाऊंगा, दिन में अच्छा लगता है, रात में अलग उतरने में अच्छा लगता है, दिन में चढ़ने में अच्छा लगता है, तो दिखाऊंगा इंशाल्लाह फिर कभी आपको। तो अभी वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अपने भाई